तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नए जॉब रोल की अपडेट आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि यहां पर IBM के तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके लिंक मैंने आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तो प्लीज अप्लाई करना, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर IBM की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं अप्लाइंग प्रोसेस के बारे में, साथ ही साथ क्या क्या यहाँ पर फ्यूचर्स होने वाला है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है और क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जॉब डिटेल्स की, तो आप देख सकते हैं कंट्री रीजन यहाँ पर इंडिया होगा, स्टेट यहाँ पर कर्नाटका होगा, सिटी बैंगलोर होगी, कैटेगरी सप्लाई चैन की होगी, रिक्वायर्ड एजुकेशन तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए, जिन लोगों के पास बैचलर डिग्री है वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन टाइप तो आपको यहाँ पर एंट्री लेवल की मतलब फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल टाइम आपको जॉब करने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है IBM में। कॉन्ट्रैक्ट टाइप ये रेगुलर होगी, फिर कंपनी है, रिक्वेस्ट आईडी है, ट्रैवल रिक्वायर्ड यहाँ पे कोई ट्रैवल रिक्वायर्ड नहीं होगा, मतलब ये ऑफिशियली वर्क आप लोगों को करने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एनी ग्रेजुएट विथ 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन कस्टमर सपोर्ट इंक्वायरी मैनेजमेंट एंड फ्रेशर्स, मतलब जिन लोगों को यहाँ पर 0 से 1 साल तक का एक्सपीरियंस है या फिर 0 year का भी एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, जैसे वो कस्टमर सपोर्ट की फील्ड हो गई, इंक्वायरी मैनेजमेंट की फील्ड हो गई, या फिर अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी ने यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है इन पॉइंट्स को। तो अब बात करते हैं यहाँ पर प्रीफर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के बारे में, आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको अपने स्किल्स का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर कस्टमर सर्विस है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मैनेज डिफिकल्ट और इमोशनल कस्टमर सिचुएशन, मतलब सिचुएशन कैसा भी हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो या इमोशनल हो, आपको कस्टमर के साथ अच्छे से डील करना है, वो आनी चाहिए आपको। तो अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, मेंटेन कॉन्फिडेंशियली, लिसन टू अदर्स विदाउट इंटरप्शन, मतलब अगर कोई बात कर रहे हैं, कोई डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ आपको बीच में नहीं बोलना है, वहाँ पर आपको गुड लिसनर का काम करना है, मतलब आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले सुनना है। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन की यहाँ पर अगर बात करें तो आपको आनी चाहिए एक्सेलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड, नीड टू टॉक विद द सप्लायर क्लाइंट ओवर फोन ईमेल एज वेन रिक्वायर्ड लेसन्स एंड गेट क्लैरिफिकेशन रिस्पॉन्ड वेल टू क्वेश्चन, मतलब आपके अंदर यहाँ पर अच्छी कम्युनिकेशन क्वालिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन चाहे यहाँ पर क्लाइंट के साथ फ़ोन के थ्रू हो, ईमेल के थ्रू हो, या फिर यहाँ पर किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो क्लाइंट के थ्रू, आपको अच्छे से क्लैरिफाई करना है प्रॉब्लम को, अपने कस्टमर को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाना होगा, तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए इस जॉब रोल के लिए। रिटन कम्युनिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट क्लियरली एंड इन्फॉर्मेटिवली, मतलब यहाँ पर आपको कस्टमर को अगर सपोर्ट देना है, अपने क्लाइंट को अगर सपोर्ट करना है, सर्विस सपोर्ट का काम करना है, तो आपको लिख कर भी वहाँ पर सर्विस सपोर्ट देना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको अच्छे तरीके से लिखने आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखा गया रिटन कम्युनिकेशन भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारे स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है नॉर्मल सारे स्किल्स एक फ्रेशर्स के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और आपके पास होगी भी अगर तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एलिजिबल है तो अप्लाई कर लें, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग इन सारे चीज़ों को भी अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, जो कि यहाँ पर कोर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको क्या क्या ड्यूटीज़ मिलने वाली है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी के अंदर आपको मिलने वाली है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया जो जरूरी था, फिर भी आप एक बार अच्छे तरीके से इन सारे पॉइंट्स को अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर जाकर के क्लिक कर देना है अप्लाई करने के लिए, जिसके बाद एक न्यू पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपने रिज्यूमे को यहाँ पर अपलोड करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिज्यूमे का ऑप्शन है, जिसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्राइमरी ईमेल आईडी है, फिर एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पर खोज रहा है, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस लेवल में देख रहे हैं इंटर्न है, अर्ली प्रोफेशनल 3 ईयर से कम का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, एग्जीक्यूटिव है, या फिर टेक री एंट्री है। इन सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे जा करके अप्लाई नाउ, नो थैंक्स, कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करके जो भी चीज़ आपसे पूछी जाएंगी उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है, फिर आपको मेल का इंतजार करना है, जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगा जॉब से रिलेटेड आपको एक मेल आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।